गर्भवती महिला हो जाए सावधान। साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण शुरू होने जा रहा है। अगर आप गर्भवती है तो आपको कुछ ऐसी आपको टिप फॉलो करना है, कुछ ऐसी गलतियां नहीं करना है जो आपको प्रेगनेंसी में घातक हो सकता है एंड आपको निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे चंद्र ग्रहण का सही डेट, सही समय, कितने बजे से कितने बजे लगेगा, सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, सारी बातें डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा अगर आप गर्भवती है तो, खास करके हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो 3 से 4 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं बता दूं कि इस साल का जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, दूसरा चंद्र ग्रहण है 2024 का, और ये चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है वो 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। अगर आपको सामने ही है, बहुत ही सामने है, तो अगर आपको याद ना रहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, 18 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण का सही समय क्या होगा, इससे पहले हम बता दें कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ नहीं करना है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं तो, यानी कि चंद्र ग्रहण के दौरान। चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो उससे पहले ही आपको पानी पीने के लिए, पानी को पहले घर के अंदर रख लेना है, उसमें तुलसी पत्ता धोकर आपको ऐड कर लेना है। अगर तुलसी पत्ता पहले ही तोड़कर रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको ग्रहण पड़ेगा तो उस समय बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ये भी फॉलो करना है कि आपको जूस उस भी आप पी सकते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट है तो काफ़ी टाइम 2-3 घंटे का गैप मिलेगा, तो उसमें आप जूस पी सकते हैं, बट खाना आपको नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कई लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि क्या ग्रहण के दौरान हम सो सकते हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, आपको चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इस दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, पैर हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। इससे गर्भ में पल रहा शिशु का हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा होने की, ऐसा बोला जाता है कि शास्त्रों के अनुसार हमारा कि ऐसा पैर टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। तीसरा टिप्स, आपको ये भी फॉलो करना है कि आपको गेरू का उपाय जरूर कर लेना है। आपको चंद्रग्रहण लगने से 5 मिनट पहले गेरू का लेप अपने पेट पे लगा लेना है, जिससे कोई भी निगेटिव ऊर्जा, कोई भी निगेटिव प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु के पास नहीं जा पाएगा। एंड आपको यानी कि चाकू नहीं कट करनी है, चाकू से सब्जी या कुछ भी ग्रहण काल में खाना नहीं बनाना है। ग्रहण के दौरान आपको पूजा पाठ नहीं करना होता है, तो ये बिल्कुल भी वर्जित है। तो ध्यान रखिए, मंदिर के पट नहीं खुलते हैं, घर से गर्भवती को बाहर नहीं जाना पड़ता है, आपको प्रकाश को नहीं देखना है, चंद्रमा को, ये सारी चीज़ें आपको वर्जित है प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव किया है तो। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण काल जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आपको नहा धोवा कर ही, पूजा पाठ करने के बाद ही खाना वगैरह बनाना है, खाना है। अब हम बात करते हैं कि ग्रहण का सही समय क्या है। तो देखिए, ग्रहण जो लग रहा है, आप लोग बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण है तो सुबह में आप बोल रहेंगे, तो जी हाँ, सुबह 6:16 पर शुरू होगा और यानी कि 10:12 पर समाप्त हो जाएगा ये चंद्र ग्रहण। तो इस दौरान आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी भी लगी है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब ये ग्रहण लगने से 3 से 4 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। थैंक यू।